हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा राइट सर्कुलर कोन तो हो गया है। अब हम बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे पूरे जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, एक सीक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है। और कहीं भी किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेक्चर्स आप देखिए कंटिन्यू। तो चलिए बात करते हैं अब हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर आप जानते हैं सिलेंडर क्या होता है। जैसे मैं इस मार्कर की ही बात कर लूं, ये अपने आप में एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे भाई सिलेंडर बना कैसे। मान लीजिए कोई एक लाइन है, मान लीजिए कोई एक रेखा है या लाइन है, वो एक फिक्स लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है। मान लीजिए ये एक लाइन है, मेरी उंगली एक लाइन है, या दूसरा एक और मार्कर यूज में ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये इस फिक्स लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है। तो रोटेट कर दिए तो एक जो सरफेस जनरेट होगा, जो सरफेस जनरेट होगा उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये जो लाइन रोटेट कर रही है, ये वाली लाइन रोटेट कर रही है किसके अबाउट, इस फिक्स लाइन के अबाउट। ये हमारी फिक्स लाइन है, ये लाइन जो रोटेट कर रही है, तो ये रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है किसके अबाउट, इस फिक्स लाइन के अबाउट। तो जो सरफेस जनरेट होगा वो सरफेस क्या कहलाएगा, हमारा राइट सर्कुलर कोन। अब बात ये आती है कि ये जो लाइन रोटेट कर रही है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे जनरेटर। जैसा कि राइट सर्कुलर कोन में भी होता था, जो लाइन रोटेट करती थी एक्सिस के अबाउट, उस लाइन को हम क्या कहते थे, जनरेटर। तो यहां पर भी राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये जो लाइन रोटेट कर दी है, इस लाइन को हम क्यों क्या कहेंगे, जनरेटर। अब इस लाइन को जनरेटर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये लाइन ही क्या बना रही है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बना रही है, या राइट सर्कुलर सिलेंडर को जनरेट कर रही है, इसलिए ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, जनरेटर। और जिस लाइन के अबाउट ये रोटेट कर दी है, यानी कि ये वाली लाइन जिस लाइन के अबाउट ये रोटेट कर दी है, ये फिक्स्ड लाइन क्या कहलाएगी, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का एक्सिस। तो ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर का जनरेटर, और ये फिक्स लाइन क्या कहलाएगी, हमारी राइट सर्कुलर कोन का, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर का एक्सिस। अब जब ये लाइन रोटेट करेगी, तो रोटेट करेगी तो ये एजेस पे अपने क्या बनाएगी, एक सर्कल बनाएगी, सर्किल बनाएगी, ठीक है भाई, ये सर्किल बना रही है। तो इस सर्किल को हम क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर का गाइडिंग कर्व। और इस फिक्स लाइन से लेकर के ये जो लाइन रोटेट कर रही है, इस फिक्स लाइन से लेकर के ये जो लाइन रोटेट कर रही है, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस। तो यही चीजें यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ आपको। तो चलो बात करते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालिए, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको अगर वीडियोस को सर्च करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि भाई कौन से वीडियो के बाद, इस वीडियो पहले वाले लेक्चर के बाद दूसरा वीडियो वाला लेक्चर कहाँ है, दूसरे लेक्चर के बाद तीसरा कहाँ है, तो आप मेरे चैनल में जाकर के जब आप मेरा वीडियो चलाते हैं कोई भी, तो उसके नीचे प्रकाश कुमार लिखा था, प्रकाश कुमार का मतलब चैनल, तो मेरे चैनल पे जाकर के आप देखेंगे, वहां पे अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जैसे वीडियोस, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां सारी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट का मतलब क्या है कि जैसे मैंने स्फीयर की जैसे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, राइट सर्कुलर कोन की मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की अब मैं अलग प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो ऐसे आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे एक सीक्वेंस में मिलेंगे, तो उससे आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ पास में एक नोटिफिकेशन का जो बेल आता है, बेल आइकन, उस पर भी क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए राइट सर्कुलर कोन की बात करते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। अभी तक दिमाग में कौन कौन घूम रहा है, तो ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये वाली, ये जो मैंने बताई है, ये वाली कौन सी है स्ट्रेट लाइन, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है। तो यहाँ पे ये है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, बात एक ही है, जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विच रिमेन्स पैरेलल टू ए फिक्स्ड लाइन। ये फिक्स लाइन हो गई हमारी, कौन सी, ये जो एक्सेस दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गई हमारी फिक्स लाइन। ये फिक्स लाइन के क्या रहेगी, हमेशा पैरेलल रहेगी, जब ये घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है इसके अबाउट, तो हमेशा क्या रहेगी, पैरेलल ही रहेगी। तो पैरेलल टू ए फिक्स लाइन एंड एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट, ये हमेशा, ये जो जनरेटर है, ये एक्सिस से हमेशा एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर रहेगा, और इस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये हो गया हमारा सिलेंडर का एक्सिस। ये जो यहाँ पर सर्किल बनेगा इस लाइन के रोटेट करने पर, इस सर्किल को हम क्या बोलेंगे, गाइडिंग कर्व, और ये जो लाइन रोटेट कर दिए, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरेटर, क्योंकि इसी की वजह से हमें क्या मिल रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यहाँ पे आप बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर, वो समझाई दिया मैंने, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर फिक्स लाइन कौन सी है, ये वाली, इसको मैं दे देता हूं यहाँ पर ओ ए के नाम से। ओ ए क्या है, हमारी फिक्स लाइन है। बात करते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर की, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस बिटवीन जनरेटर, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये क्या है, जनरेटर। जनरेटर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, जी जी डैश से। तो जी जी डैश क्या है, जनरेटर। द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस बिटवीन जनरेटर एंड एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये एक्सिस हो गया ओ ए, और जी जी डैश क्या हो गया, जनरेटर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी, राइट सर्कुलर कोन का रेडियस, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस। नोट, अब यहां एक चीज ध्यान में रखने वाली है, द सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब सेक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्शन का मतलब होता है काटना, भाई हमने इसको इधर से काट दिया, किससे काटा, एक प्लेन से। अब प्लेन क्या हो गया, हम छोटी क्लासों में भी हमें समझाते थे भाई, जैसे सेब को काटा हमने बीच में से, तो क्या बनता है, सर्किल बनता है। वैसे किससे काटा, चाकू से, तो चाकू क्या होगा, चाकू तो होगा प्लेन, और ये जो हमारा है सरफेस है, तो यहाँ पर ये सरफेस क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो इसी की बात कर रहे हैं, द सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर को जब मैं काटूंगा, अब कहां से काटूंगा, बाय एनी प्लेन, किसके जरिए काटूंगा, किसी प्लेन के जरिए, कहां से काटूंगा, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी कि एक्सिस ये जो है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर तो यही होगा, तो इसके अबाउट जब मैं काटूंगा राइट सर्कुलर सिलेंडर को, तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा एक सर्किल मिलेगा। बस जब मैं इस राइट सर्कुलर सिलेंडर को किसी प्लेन की सहायता लेकर के जब इसको मैं काटूंगा, किसके परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस की डायरेक्शन भी यही है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही हो गई, जब मैं इसको काटूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे एक सर्किल मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे हम और बात करेंगे, अब हम बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के इक्वेशन के बारे में। तो राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो पहले अपन ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब अपन को ये टॉपिक अच्छे से आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हम यहाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये एक सिलेंडर मैंने बनाया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पर क्या है, ये एक पॉइंट है ए, कहाँ पर है ये पॉइंट, एक्सिस पर। यहाँ पर मान लीजिए ये एक्सिस है ओ सी, ओ से लेके ये सी तक, ये जो ये लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सिस को, ठीक है।
राइट सर्कुलर सिलेंडर के सरफेस पर एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, ये सरफेस है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, जनरेटर, ये लाइन एक्सिस है, तो जनरेटर और एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस, तो रेडियस जो है बीपी, ये पॉइंट क्या है बी और ये पॉइंट पी है, बी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैंने मान लिया आर है, ये एक पॉइंट ले लिया एक्सिस पे, ए पॉइंट, एक और पॉइंट ले लिया ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा, कुछ भी यानी हमने अपनी तरफ से नहीं किया, हमने मान करके किया सब कुछ। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लिया हमने रेडियस क्या है आर, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हुज एक्सिस इज द लाइन, मैंने एक्सिस जो है ये ओ सी, इस एक्सिस की इक्वेशन क्या मान ली, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एन, जेड माइनस गामा अपॉन एन। अब बात ये आती है कि एक्सिस की ये इक्वेशन कैसे है, तो मैंने पहले के लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि अगर कोई लाइन, यहाँ पर देख लीजिए ये कोई लाइन है, अगर ये लाइन किसी पॉइंट से, जरूरी है वो पॉइंट यहाँ होगा बीच में ले लो, अगर ये लाइन किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास आउट हो रही है, मान लिया एक लाइन है, ये लाइन एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास आउट हो रही है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एल एम एन, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एल्फा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन एम बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, तो ये होगी इस लाइन की इक्वेशन। यहां पर एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह हम क्या रखेंगे, अल्फा बीटा और गामा, तो हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन, ये रही है इस लाइन की इक्वेशन। और ये लाइन क्या है हमारी, ओ सी यानी कि एक्सिस, तो एक्सिस कहां से पास आउट हो रहा है, एक पॉइंट ए से, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा, और मान लिया ये जो ओसी लाइन है, इस ओसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो मान लिया डायरेक्शन रेशियोज है एल एम एन, तो इस एक्सिस की इक्वेशन यानी कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन, कंपेयर कर लीजिए आप। अब तो हमें क्या करना है, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है जिसकी एक्सिस की इक्वेशन ये है और रेडियस आर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि इसके सरफेस पर एक पॉइंट है पी, तो लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, मान लिया कि हमने पी क्या है, एक पॉइंट है सिलेंडर के सरफेस पर, ड्रॉ पी बी, क्या बनाना है हमें, पी बी बनाना है, और पी बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये जो साइन होता है उल्टा टी, ये क्या है उल्टा टी, ये उल्टा टी का साइन जो है किसका साइन होता है, परपेंडिकुलर का, तो ड्रॉ पी बी हमने क्या किया, पी बी ड्रॉ किया यानी कि पी और बी को आपस में मिला दिया, ठीक है, और ये पी बी क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस वन के, देख लीजिए आप ये एक्सिस वन है, ये लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो पी बी जो है, पी बी किसके है? परपेंडिकुलर है एक्सिस के, तो वही चीज लिखी है हमने, ड्रॉ पी बी परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, परपेंडिकुलर फ्रॉम पी यानी कि पी से, तो पी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला किस पे, एक्सिस पे, और क्या बन गया पी बी, सो दैट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो दैट पी बी इज इक्वल टू आर, तो पी बी क्या होगा, आर के बराबर होगा, क्योंकि आर क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस। अब नाउ ए बी, अब हम बात कर रहे हैं ए बी की, तो यहां से फालतू की चीजें हटा देता हूं, आपको कंफ्यूजन होगा,
ये हटा दिया और ये परपेंडिकुलर हटा दिया। अब बात कर रहे हैं हम ए बी की, तो यहां देखिए ये फिगर मैं यहां पे बना रहा हूं, ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। तो हम क्या कर रहे हैं आप, ए बी, ये ए और बी, ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी, भाई डिस्टेंस की बात कर रहा हूं ए बी, ये निकालनी है। पर यहां पर ए बी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए पी। अब प्रोजेक्शन को आप कैसे समझेंगे, भाई जब भी हम धूप में खड़े रहते हैं तो हमारी छाया पड़ती है नीचे, वो क्या है, मेरी मेरा प्रोजेक्शन है, यानी जो छाया होती है वो क्या होती है, प्रोजेक्शन है। तो मान लो यहां पर ये सूरज है, यहां पर ये सूरज है, ये सूरज यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ दी है, सूरज की किरणें कहां पर पड़ दी है, एपी पर। तो एपी की जो छाया है वो क्या बन रही है, ए बी। तो ए बी क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा किसका, एपी का। तो मुझे ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखो ए बी बराबर क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए पी। ये ए बी बराबर किसके बराबर आ रहा है, एपी के प्रोजेक्शन के बराबर, यानी कि एपी का जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, ए बी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन द एक्सिस ए सी, एपी का जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है वो कहां पर पड़ रहा है, एपी का प्रोजेक्शन एक्सिस ओ सी पर, एक्सिस ओ सी पर जो प्रोजेक्शन है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर मान लिया हमने। तो ए बी बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला है, ये मैंने लिखा नहीं है अपनी तरफ से, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं स्टार लगा रहा हूं और अभी बता दूंगा ये कैसे आया। तो ए बी बराबर क्या होगा, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन पड़ रहा है किसका, एपी का, कहां पर पड़ रहा है, एक्सिस ए सी, ए सी नहीं है ये, सॉरी ए सी लिख दो या ओ सी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ओ से लेके सी तक एक्सिस है, या ए सी लिख दो वो भी एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सिस ओ सी पर प्रोजेक्शन है, तो ए बी किसके बराबर होगा, एल इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस वाई इंटू वाई माइनस बीटा प्लस एन इंटू जेड माइनस गामा अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को मैं अभी ये टॉपिक खत्म होने के बाद अलग से बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया। आगे हम बात करते हैं एंड एपी स्क्वायर की। तो एपी स्क्वायर का मतलब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, भाई दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस एपी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ होल अंडर रूट आता, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता, यहाँ स्क्वायर है तो इसका मतलब होल अंडर रूट हट गया। अब बात करते हैं राइट ट्राइंगल ए बी पी की, या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ए बी पी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बाय राइट एंगल ट्राइंगल ए पी ए बी पी वी हैव, हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से कि AP स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर के। तो AP स्क्वायर वही चीज लिखिए, बराबर होगा किसके, AP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ठीक है। तो AP स्क्वायर की वैल्यू तो मैं यहां से डाल दूंगा, AP स्क्वायर की आ गई वैल्यू से, या गई बराबर में AB स्क्वायर, इस AB का मैं जब स्क्वायर लूंगा, इसका स्क्वायर लिया नहीं हमने, ये सेम एज इट इज यहां वैल्यू डाल दी है मैंने, हम क्या कर रहे हैं ए बी स्क्वायर की वैल्यू डाल रहे हैं। तो यहां ये वैल्यू तो किसकी है, ए बी की, तो ए बी स्क्वायर की डालूंगा जब मैं वैल्यू, तो यहां इसका होल स्क्वायर लग जाएगा, और जब स्क्वायर की बात कर रहे हैं बटा में अंडर रूट है तो स्क्वायर लगाऊंगा तो यहां से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हमने अंडर रूट हटा दिया, तो बटा में क्या वैल्यू आएगी, केवल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस में क्या है बीपी स्क्वायर। तो बीपी क्या है हमारी रेडियस, तो रेडियस का मतलब आर, तो बीपी स्क्वायर है तो बीपी स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन बन रही है हमारी, ये वाली इक्वेशन,
ये पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन को। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर? तो ये आगे राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन। अब बात करते हैं हम कि ये जो स्टार लगाया था, मैंने बताया था ये ए बी, यानी कि ये जो प्रोजेक्शन है किसका, एपी का, इसकी ये वैल्यू कैसे आई? तो इसकी बात कर लेते हैं हम। देखो सबसे पहली बात तो यह है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया पी पॉइंट। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा गामा। भाई ए और पी मिलकर के क्या बना रही है? दो पॉइंट, जहां दो पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन है एपी, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? तो एपी के डायरेक्शन रेशियो, मैं केवल डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां लिख लेता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी। तो अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास आउट हो रही है और हमें दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो, या दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, तो हम उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर होंगे? एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा, दूसरा डायरेक्शन रेशियो होगा वाई टू माइनस वाई वन कॉमा, तीसरा डायरेक्शन रेशियो होगा जेड टू माइनस जेड वन। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? दूसरा पॉइंट इसे मान लेता हूं, पहला पॉइंट इसको, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब एक्स माइनस एल्फा, वाई टू माइनस वाई वन का मतलब वाई माइनस बीटा, जेड टू माइनस जेड वन का मतलब जेड माइनस गामा। तो ये डायरेक्शन रेशियो किसके आ गए? एपी के। अब मैं बात करता हूं किसके, अब मैं बात करूंगा किसकी, एबी की। किसकी बात कर रहा हूं? एबी की। और एबी क्या है हमारा? एक्सिस। एबी क्या है भाई हमारा? एक्सिस, ठीक है। और डायरेक्शन रेशोज जो है किसके, एबी के, और एबी क्या है? एक्सिस। और एक्सिस की मैंने अभी जस्ट यहाँ इक्वेशन लिखी थी, आप बैक में करके देख सकते हैं। एक्सिस की जो इक्वेशन थी उसमें डायरेक्शन रेशियो क्या आते हैं? बटा में जो आ रहे थे एलएमएन, ये तो सबको ही पता है, यहाँ पर मैंने लिखे भी है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है एक्सिस के, एलएमएन। तो भाई हमें यहाँ दो चीजें पता है, क्या कि ये जो एपी है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये है, और ये जो एबी है यानी कि एक्सिस, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, एलएमएन। तो यहां पर बात किसकी कर रहे हैं हम? एबी की। एबी क्या है? प्रोजेक्शन है। किसका? एपी का। तो एबी बराबर, यानी एबी यानी ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगी? जो प्रोजेक्शन है उसका डायरेक्शन रेशियो, जिसका प्रोजेक्शन है उसका डायरेक्शन रेशियो। तो ये हो गया एल वन एल टू, यानी यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एबी बराबर होगा एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू बटा अंडर रूट एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर। तो यहां पे एल वन एम वन एन वन, यानी फर्स्ट फर्स्ट जो लिया है हमने वो लिया है किसको? एक्सिस को, ठीक है ना, किसको लिया है? एक्सिस को। क्यों? क्योंकि एक्सिस की ही हमें ये जो डिस्टेंस है ए बी, यानी ये जो प्रोजेक्शन की जो डिस्टेंस है ए बी, ये निकालनी है। और ये ए बी कहाँ पर लाई कर रहा है? एक्सिस पर। तो पहला हमने किसको मान लिया? फर्स्ट हमने मान लिया इसको। तो पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो क्या है? एल। सेकेंड वाली जो लाइन है यानी कि ए पी, जिसका प्रोजेक्शन बन रहा है, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? एक्स माइनस एल्फा, ठीक है। फिर क्या है? एम वन एम टू, तो एम वन का मतलब तो एम, और इसका एम टू का मतलब क्या हो जाएगा? वाई माइनस बीटा प्लस एन वन एन टू का मतलब एन इंटू जेड माइनस गामा, बटा में क्या हो जाएगा? एल वन स्क्वायर। तो भाई जिस जो डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, यानी कि ए बी, यानी कि जिस प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं उसके डायरेक्शन रेशियो का होल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हो गया अपनी, ये हो गया अपना फॉर्मूला किसका, ए बी का, यानी कि
यानी कि प्रोजेक्शन का, और ये प्रोजेक्शन किसका है, लाइन एपी का, कहां पर, एक्सिस ओसी पर, तो योगे एबी डिस्टेंस। तो ये आज राइट सर्कुलर सिलेंडर का फर्स्ट लेक्चर हमारा खत्म हो गया, आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन की। थैंक यू।